दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब। रामसरन दास किशोरीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली ने राजगढ़ अस्पताल को 2 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दान दिए। कोरोना के चलते ट्रस्ट के पदाधिकारी यहां नहीं आ पाए, इसलिए शुक्रवार को ट्रस्ट की तरफ से यह कंसेंट्रेटर ग्राम पंचायत दीदक के पूर्व प्रधान एवं वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश ठाकुर ने रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम नरेश वर्मा व चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर अशोक ठाकुर को सौंपे। एसडीएम नरेश वर्मा तथा चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर अशोक ठाकुर ने अस्पताल को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर देने के लिए ट्रस्ट का आभार जताया। जी सर, आज ही ये दिल्ली से रामसरन दास किशोरीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 2 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मेरे माध्यम से यानी कि एसडीएम राजगढ़ के माध्यम से सीएच राजगढ़ को प्राप्त हुए हैं। इस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सबसे पहले मेरे को ही उन्होंने टेलीफोनिकली कॉल करा था कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर एक्सेट्रा की तो आप जो है वो बताएं। तो मैंने उनको एक डिमांड भेजा था कि हमें जो है अगर आप इमरजेंसी के लिए जो है वो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर प्रोवाइड कराते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आज हमें जो है वो 2 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर फिलिप्स कंपनी के इस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से प्राप्त हुए हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिल्ली का रामसरन दास किशोरीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उनके जो प्रधान हैं ब्रिजमोहन कक्कड़ जी और सेक्रेटरी चंद्रमोहन कक्कड़ जी, उनका हमारे दीदक में फार्म हाउस है, उन्होंने मुझसे बात कही थी कि अगर सिविल अस्पताल राजगढ़ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता है तो हम संस्था की तरफ से देने को तैयार हैं। इस बारे में मेरी बात एसडीएम राजगढ़ से हुई और उन्होंने डॉक्टर प्रभारी जो है डॉक्टर अशोक जी से बात करके ये फैसला किया कि वो हमें दें। तो आज उन्होंने ये कंसंट्रेटर एसडीएम साहब के माध्यम से अस्पताल को दिए गए हैं, तो मैं अपनी तरफ से ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा रखता हूँ कि वो भविष्य में भी सिविल अस्पताल को अपनी आर्थिक सहायता या जो भी सहायता संभव हो सके वो करते रहेंगे। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन बलियाट के साथ नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। शिक्षा जगत में तेजी से उभरता नाम दुग्गल करियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब अभिभावकों और विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद आर के दुग्गल के कुशल निर्देशन में स्कूल ने निरंतर नए आयाम स्थापित किए। आर के दुग्गल जी का सपना था कि बच्चों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षित करना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेईई नीट एनडीए एनटीएससी जैसे विभिन्न कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। सूर्यकंठ भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर में योगा गेम्स में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया। वहीं स्कूल के विद्यार्थी जोन जिला व राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में चित्रकला रंगोली मेहंदी वाद विवाद साइंस क्विज प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। स्कूल प्रशासन विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत है। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चों के सुनहरी भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब।